हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो स्लाइड का पेज होते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन के अंतर्गत, पावर पॉइंट के अंतर्गत, उसमें ड्राइंग कैसे लगाया जाता है। देखिए, इसमें अलग अलग तरीके का ड्राइंग हमें दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए मुझे डायरेक्शन शो अप करना है, तो मैं इस तरीके का जो ड्राइंग है उसको लगा सकता हूँ। इसके साइज़ को कम ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे ये जो साइज़ है इसको इस तरीके से कंप्रेस करके छोटा बड़ा किया जा सकता है। कभी भी इसको छोटा या बड़ा करके हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यदि मुझे स्टार का सिंबल चाहिए, यहाँ से मैं स्टार का सिंबल लेकर यहाँ पे यदि बनाना चाहता हूँ, तो ये स्टार का सिंबल यहाँ पे बन जाएगा। ब्रैकेट लेना है तो यहाँ पे ब्रैकेट जो है आसानी से हम ब्रैकेट ले सकते हैं और इसको छोटा या बड़ा करके एडजस्ट किया जा सकता है इस तरीके से। डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं जो हमारा वैल्यू है इसको। यदि मुझे डाउन डायरेक्शन में जाना है तो ये वाले जो सिंबल है इसको टेक करके यहाँ पे ये सिंबल हम बना सकते हैं। देखिए, इसको जितना आप चाहें उतना एडजस्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, और जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का त्रिभुज से संबंधित मुझे जो है इसका जो सिंबल चाहिए, तो हम त्रिभुज से संबंधित जो सिंबल है उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिस प्रकार का हमें यहाँ पे ड्राइंग को शो करने के लिए हमें लाइन ड्राइंग चाहिए रहता है, उस तरीके का हम यहाँ पे यूज़ करके प्रॉपर वे में अपना जो ड्राइंग जो बोल सकते हैं स्लाइड है उसको बना सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी उपयोगी है जो हमें स्लाइड को कितना आप सजाना चाहते हैं उसके हिसाब से इस ड्राइंग को अरेंज किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस जो हम लिए हैं उसके लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे सिंबल यूज़ कर सकते हैं जो हमारे सीट के लिए सूटेबल हो, वैसे सिंबल यहाँ पे दिया जा सकता है। तो इस तरीके से ड्राइंग करना काफ़ी आसान है, पैराग्राफ करना आसान है। तो आज के लिए बस इतना ही।